नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साल 2023 के दूसरे चंद्र ग्रहण के विषय में बात करने वाले हैं। साल 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण कब लगेगा, इसका सही समय क्या होगा, सूतक काल कब से शुरू होकर कब तक चलेगा, यह ग्रहण भारत में लगेगा या नहीं और इस ग्रहण की क्या विशेषताएं होने वाली है, इन सभी के विषय में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, चंद्रग्रहण उस स्थिति को कहा जाता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ऐसे में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता और धरती की छाया चंद्रमा पर पड़ने की वजह से चंद्रमा काला दिखाई देता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रग्रहण की स्थिति को बहुत ही ज़्यादा अशुभ बताया गया है और कहा जाता है कि हमें चंद्रग्रहण के समय में किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए। ऐसे में चंद्रग्रहण का समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ग्रहण के टाइम में बहुत सारी सावधानियाँ भी रखनी होती है। दोस्तों, चंद्रग्रहण लगने से 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल के बाद से ही देश भर के सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों की मनाही होती है। तो चलिए ऐसे में जानते हैं साल 2023 का दूसरा चंद्रग्रहण कब लगेगा, इसका सही समय क्या होगा। दोस्तों, साल 2023 का दूसरा चंद्रग्रहण अक्टूबर महीने में लगने जा रहा है। यह ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 को दिखाई देगा। यह एक उपछाया चंद्रग्रहण होगा। तो ऐसे में आप सभी को बता दें कि उपछाया चंद्रग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं होता है, यानी कि ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले किसी भी प्रकार के नियमों का पालन नहीं करना है, बल्कि ग्रहण लगने के बाद से ही आपको नियमों का पालन करना है। ऐसे में ग्रहण का समय आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन उससे पहले इस विषय पर बात कर लेते हैं कि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं। दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाला ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। इस ग्रहण के नियमों का पालन आपको भारत में भी करना होगा। तो ऐसे में इस ग्रहण का समय क्या होगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, 28 अक्टूबर को लगने वाला उपछाया चंद्र ग्रहण शाम के 6:01 से शुरू हो जाएगा और यह ग्रहण की समाप्ति 9:31 पर होगी, यानी कि 3.5 घंटे का यह ग्रहण होने जा रहा है। तो बेहद महत्वपूर्ण यह ग्रहण होगा। ऐसे में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि यह ग्रहण जब भी लगे तो आपको हमारे चैनल के जरिए सूचना मिल जाए।